और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, शाम 7 बजे बैठक होने जा रही है। मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की पहली कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे और इस बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। सल्ट उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को लेकर मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद कभी भी हो सकती है उम्मीदवार की घोषणा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसने 3 नामों का पैनल प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। पैनल में दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना का नाम शामिल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश मेहरा और यशपाल रावत का नाम भी है। कोर ग्रुप की बैठक में 3 नामों पर आज मंथन किया जाएगा। सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जो आज बैठक होगी उसके बाद कहा जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। मदन कौशिक जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तराखंड में, बतौर अध्यक्ष उनकी ये पहली बैठक होगी जिसमें वरिष्ठ नेता समेत तमाम सांसद बीजेपी से जुड़े हुए और तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे और चर्चा मंथन इस बात पर कि सल्ट उपचुनाव को कैसे जीतना है और उम्मीदवार कौन होगा। जिस कमेटी को बनाया गया था उसने भी 3 नामों को सौंप दिया है प्रदेश अध्यक्ष को और अब उन्हीं 3 नामों पर चर्चा होगी।